हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। आप देख रहे हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं G20 के बारे में। G20 मतलब 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना है। 19 कंट्रीज आप मैप वाइज देख सकते हो, लोकेशन वाइज। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से 3 कंट्रीज, कनाडा, यूएस, मेक्सिको। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका से सिर्फ 2 कंट्रीज, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। अगर हम बात करें अफ्रीका से, तो अफ्रीका से सिर्फ 1 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है, जो है साउथ अफ्रीका। यूरोप की बात करें तो यहां से 4 कंट्री एक तरह से आ जाती है, यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली। एशिया की बात करें, रशिया भी आप यहाँ पे ले सकते हो यूरोप में। और यहाँ पे अगर एशिया की बात करें तो टर्की आ जाएगा, सऊदी अरेबिया आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, साउथ कोरिया, जापान और इंडोनेशिया आ जाएगा। और बाद में ये क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया। तो 19 कंट्रीज हो गए टोटल, और साथ में यूरोपियन यूनियन मिला के ये टोटल ये ग्रुप बना है। तो ये करता क्या है, ये वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज को साथ लेके आने का काम करता है। वैसी मेजर इकोनॉमी जो टोटल 80% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करती है, और इनके बीच में 75% का ट्रेड होता है। तो अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इस G20 ग्रुप में मिलके रहता है। अब बात ये आती है कि ये कब बना और क्यों बना। तो 1997 के अराउंड एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। साउथ कोरिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज थाईलैंड फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। उस टाइम पे जो G7 ग्रुप है उसने इनवाइट किया, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग दोनों तरह के नेशन को इनवाइट किया, उनके फाइनेंस मिनिस्टर को भी इनवाइट किया, सेंट्रल बैंक को भी इनवाइट किया, और उन दोनों की सबकी मीटिंग स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से जाके G20 का जेनेसिस हुआ। 2008 के जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो जो G20 के गवर्नमेंट ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट है कंट्रीज वाइज, वो एक साथ मिलना स्टार्ट कर दिए एनुअली, मतलब हर साल। तो हर साल मिलने लगे, और फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है, इंडिया के सेंट्रल बैंक वाले हैं RBI, तो इसके गवर्नर, हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होगा, उसके गवर्नर साल में 2 बार मिलते हैं कि वो क्या कर सके, ये मीटिंग जो होती है लीडर्स की उसको असिस्ट कर सके, एजेंडा वगैरह को सेट करने का काम ये लोग कर सके। अब बात आती है स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग कैसे है, G20 काम कैसे करता है। इसकी प्रेसिडेंसी जो है हर साल रोटेट किया जाता है, और टोटल 5 ग्रुप में G20 को बांट दिया गया है। किसी भी ग्रुप में 4 से ज्यादा कंट्रीज नहीं है। टोटल 19 कंट्रीज हो गई, तो 4 से ज्यादा कंट्रीज नहीं है। और यही 4 ग्रुप के, 5 ग्रुप के हिसाब से, इस 5 ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में हर साल रोटेशन होता रहता है। अगर हम इंडिया के ग्रुप की बात करें तो इंडिया के अलावा रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की, ये इंडिया वाले ग्रुप में आती है। इंडिया के ग्रुप का नाम दिया गया है ग्रुप 2। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है, जिस साल जहां पे उसका समिट हो रहा होता है उस साल के लिए वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील करता है। बाकी G20 अपना एजेंडा बाकी मेंबर्स के साथ कंसल्ट करके लेके आती है। G20 का फायदा क्या है, फायदा ये है कि 20 कंट्रीज है, 19 कंट्रीज प्लस EU, तो बहुत ज्यादा भी नहीं है। फेस टू फेस ये लोग मीटिंग कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, न्यू चैलेंजेस जो वर्ल्ड में अराइज हो रही है उनके बारे में बात कर सकते हैं, ये सारे काम ये फेस टू फेस कर सकते हैं। और इतनी ज्यादा बड़ी भी है कि ये 75% ट्रेड, 80% GDP और 60% पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट कर देती है। तो रिप्रेजेंटेशन वाइज भी काफी सही है, और एक टेबल पे सारे मेंबर्स को इजिली लाया जा सकता है, और सब में एक तरह से कंसेंसस बिल्डिंग भी किया जा सकता है। G20 ग्रुप ने अभी तक क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए हैं या क्या क्या टॉपिक को उठाती है उस पर देख लेते हैं। मेजरली तो वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज को, उनके एजेंडे को उठाने के लिए G20 पिक्चर में आई थी, बट उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, करप्शन का अगेंस्ट फाइट करना, और रिसेंट टाइम में वुमेन का जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए लेबर मार्केट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेररिज्म का अगेंस्ट फाइट, ये सारी चीजें, डिजिटल इकोनॉमी, ये सारी चीजें भी ग्रुप ऑफ 20 डिस्कस कर रहा है। G20 का इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा वो देख लेते हैं। तो G20 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोरम है, अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए तो, मेनली इकोनॉमिक डोमेन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इकोनॉमिक डोमेन में
इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैनल समझ सकते हो, फोरम समझ सकते हो। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, भले हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सीरीज पढ़ रहे हैं बट ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इसको आप फोरम बोल सकते हो। जो भी वर्ल्ड के मेन चैलेंजेस एराइज हो रहे होते हैं ये यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं और पॉलिसीज ये कंट्रीज मिलके एक साथ बनाती है, कोऑर्डिनेट करती है, जो ग्लोबल लेवल पे जाता है। इंटरनेशनल मार्केट जो है, इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है, बहुत ही अनसर्टेन है। इस अनसर्टेनिटी के जमाने में कोऑपरेशन एक दूसरे का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 2008 में, वैसी क्राइसिस को, क्लाइमेट चेंज को भी एक तरह से आप समझो डील करने के लिए, टेररिज्म, बहुत सारे मुद्दे हैं, डिजिटल इकोनॉमी, या अभी ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स आप समझ लो, ये सारी चीजों को देखने के लिए G20 बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम हो जाता है। G20 ने अभी तक क्या क्या काम किया हुआ है, तो G20 का ने क्या किया है कि वर्ल्ड का पार्टिसिपेशन काफी बढ़ाया है। अगर 60% ऑफ द वर्ल्ड एक जगह पार्टिसिपेट कर रहा है उनके रिप्रेजेंटेटिव, तो पार्टिसिपेशन बढ़ा है। 80% ऑफ द ग्लोबल GDP अगर एक जगह कंट्रीज इकट्ठा हो रही है तो सीधी सी बात है पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया है G7 के कंपेरिजन में। G7 एक ज्यादा ही एक्सक्लूसिव ग्रुप हो जाता था, उसके अकॉर्डिंग G20 थोड़ा सा और फैला हुआ ग्रुप है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे रिफॉर्म जो आए हैं उसमें काफी हद तक G20 का भी रोल आप मान सकते हो। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है उसमें रिफॉर्म, इसके अलावा बाकी जो है आपका वर्ल्ड बैंक, इन सब में जो थोड़े बहुत रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें G20 का काफी रोल रहा है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। बिना मॉनिटरिंग के बैड लोन, ठीक है, और बाकी चीजें वो लोग कर सकते हैं, तो इनकी मॉनिटरिंग G20 काफी हद तक कर लेती है। इकोनॉमीज का रेगुलेशन जो है वो इम्प्रूव होता गया है जिससे कि आगे की क्राइसिस ना हो, कोई भी इस चीज को प्रिवेंट किया जा सके, तो ये सब काम G20 ने किया है। जब 2008 में क्राइसिस आई थी तो भी इमरजेंसी फंड बना के G20 पिक्चर में आया था और उसका रोल काफी इंपॉर्टेंट था। तो G20 एक काफी इंपॉर्टेंट फोरम है जिसका इंडिया 2023 में जाके चेयर करेगा, इसका चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंसी इंडिया के पास मिलेगा और इंडिया में इसकी समिट होनी है। ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी देखते रहो स्टडी ग्लोज। थैंक यू, जय हिंद।